ऑटो कैड यूनिट सेट करने का तरीका, सिंपली कंट्रोल एन करते हैं, न्यू फाइल लेते हैं। ये देखें न्यू फाइल ऑटो कैड क्लासिक जो है सिंपल, इसे ओके कर दिया। और उसके बाद सबसे पहले हमने करना है यू एन इंटर, ठीक है जी। और हमारे पास ये यूज़र इंटरफेस आ गया, ठीक है जी, यूनिट का। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखने का, अगर आप आर्किटेक्चर में काम करना चाहते हैं, अगर आप फिट और इंचीज़ में काम करना चाहते हैं, तो आर्किटेक्चर करेंगे सिलेक्ट। ये देखें ये इंचीज़ का सिंबल है और ये फिट का सिंबल है। ये इंचीज़ के डबल सिंबल होते हैं और फिट का एक सिंबल होता है साथ। और अगर आप मैकेनिकल मीटरों में काम करना चाहते हैं, तो आप डेसिमल में सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप लोग ये करेंगे सेलेक्ट, 1 मीटर आगे यहाँ पे मिली हो जाते हैं, ठीक हो गया जी। और ये सिंपली इसके ऑटो कैड का यूनिट सेट है। अगर आप वीडियो पूरी देखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके उधर से पूरी वीडियो देख सकते हैं।